नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबर द न्यूज। क्या ये कल्पना भी आप कर सकते हैं कि किसी एक ट्वीट की वजह से किसी बड़ी कंपनी को 1223 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है? लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल जब से एलन मस्क के हाथों में ट्विटर की कमान आई है, जब से उन्होंने $44 अरब में ट्विटर को खरीदा है, तब से कई सारे कर्मचारियों को उन्होंने ट्विटर की नौकरी से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही साथ पेड ब्लू टिक के ऑप्शन आने के बाद हजारों की तादाद में कई सारे फर्जी अकाउंट बने हैं, और इन्हीं फर्जी अकाउंट्स में से एक की वजह से मशहूर फार्मेसी कंपनी इली लिली को 1223 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि इली लिली नाम के फर्जी अकाउंट्स में एक ट्वीट किया जाता है कि इंसुलिन इज फ्री नाउ, जिसकी वजह से इंसुलिन बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी इली लिली, जो फार्मेसी सेक्टर की एक महत्वपूर्ण कंपनी मानी जाती है, उसके शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट आ गई। और इस ट्वीट के बाद कंपनी को लगभग $15 अरब या 1223 करोड़ रुपए की नुकसान का भुगतान करना पड़ा। हालांकि बाद में कंपनी के द्वारा उसके ऑफिशियल अकाउंट से इस खबर के फर्जी होने की पुष्टि की गई, लेकिन तब तक कंपनी को ये बड़ा नुकसान हो चुका था। इस घटना के सामने आने के बाद ट्विटर के सीईओ ने फिर से कुछ परिवर्तन करने की तरफ कदम बढ़ाया है, जिसके तहत अब अगर पैरोडी अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें नाम के साथ बायो में भी अकाउंट में पैरोडी जोड़ना जरूरी हो गया है। इस घटना के अलावा भी ट्विटर के पेड ब्लू टिक ऑप्शन आने के बाद कई सारे फेक अकाउंट्स बन चुके हैं। पूर्व में डोनाल्ड ट्रंप और सुपर मारियो के भी अकाउंट सामने आए थे, लेकिन अब देखना दिलचस्प है कि इस महत्वपूर्ण घटना के होने के बाद एलन मस्क क्या फैसला लेते हैं। क्या ब्लू टिक के पेड होने का ऑप्शन ख़त्म किया जाएगा और पहले के पूर्व की तरीके से ही इसे रखा जाएगा? ये देखना बड़ी बात होगी। ऐसी ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।